प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राजपूत। केरल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए भारत के मेट्रोमैन ई श्रीधरन। आइए हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भारत के मेट्रोमैन ई श्रीधरन के बारे में। कुछ दिन पहले चांगुरकुलम में आयोजित एक बैठक में ई श्रीधरन ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। केरल के भाजपा प्रमुख के सुरेंद्रन ने माला पहनाकर ई श्रीधरन का स्वागत किया और फाइनली केंद्रीय मंत्री आर के सिंह की उपस्थिति में ऐतिहासिक केरल विजय यात्रा के दौरान आधिकारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बने हुए हैं ई श्रीधरन। खबरों में दिखाया जा रहा है कि 88 साल की उम्र में मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने थामा बीजेपी का दामन। जानकारी के लिए बताती चलूं कि ई श्रीधरन पेशे से इंजीनियर हैं, जिनको असली पहचान 1990 के दशक में तत्कालीन रेल मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस के समय कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट से मिली। देश के कई बड़े बड़े सम्मानों से सम्मानित मेट्रोमैन अपने आप में ही बहुत बड़ी शख्सियत हैं। और हाँ, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि देश में अब तक कहीं भी मेट्रो बनी हो उसमें मेट्रोमैन ई श्रीधरन का सहयोग जरूर रहा है। और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बखूबी निभाने के बाद 88 साल की उम्र में राजनीतिक महत्वाकांक्षा परवान चढ़ी है। हालांकि 2018 में हमारे देश के पीएम द्वारा लाए गए महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को ई श्रीधरन ने क्रिटिसाइज़ किया था, फिर भी ऐसी क्या वजह है कि केरल विधानसभा चुनाव से पहले मेट्रोमैन ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। खैर, ई श्रीधरन ने भाजपा को ज्वाइन करते ही अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। ऐसे ही देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए प्रियंका राजपूत की रिपोर्ट।